आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। घुसखोर पटवारी की गिरफ्तारी प्रक्रिया के विरोध में सड़क पर उतरा पटवारी संघ, पंडाल लगाकर गिरफ्तारी प्रक्रिया के विरोध में धरना प्रदर्शन की मांगी अनुमति। जिला प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार, नाराज पटवारी संघ ने बीच सड़क पर छाता ओढ़कर बजाया नगाड़ा। पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जांजगीर चांपा जिले के पटवारी पिछले 3 जून से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और धरना स्थल पर पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन की अनुमति जिला प्रशासन से मांग रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। उसके बावजूद भी पटवारी संघ काम बंद कर 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। दरअसल पामगढ़ ब्लॉक के हल्का नंबर 23 के पटवारी देवेंद्र साहू ने कोड़ा भाट के किसान राजकुमार कुर्रे से जमीन का नक्शा दुरुस्त करने के नाम पर 4,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो किसान ने अपने सहयोगी से बनवा कर वायरल कर दिया था। वायरल वीडियो के आधार पर पामगढ़ SDM ने पटवारी देवेंद्र साहू को निलंबित कर दिया था और किसान के आवेदन के आधार पर पामगढ़ तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने पटवारी देवेंद्र साहू के खिलाफ पामगढ़ थाने में FIR दर्ज कराया था। पामगढ़ पुलिस ने 1 जून को आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके विरोध में पटवारी संघ 3 जून से पामगढ़ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पामगढ़ थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चूंकि जिला प्रशासन ने पटवारी संघ को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, इस वजह से पटवारी संघ के लोग अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। आज भी पटवारी संघ के लोगों ने छाता लेकर बीच सड़क पर नगाड़ा बजाया और पटवारी देवेंद्र साहू की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर विरोध जताया है और चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी नहीं होते तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। हमारे पामगढ़ तहसील के पटवारी हल्का नंबर 23 के पटवारी देवेंद्र साहू जी को बिना विभागीय जांच के ही उसके ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया और FIR दर्ज होने से पूर्व प्रक्रिया के विरुद्ध उसको अगवा करके रात भर कहीं और रखे थे। उसके बाद अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किए और जेल भेज दिया गया। कोई भी कर्मचारी हो, शासकीय सेवक हो, कोई गलती करता है तो सब प्रथम दृष्टया उसकी विभागीय जांच होनी चाहिए, प्रक्रिया के तहत पूरी जांच हो। अगर गलत है तो उसको सस्पेंड करे, निलंबन करे, बर्खास्त करे, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन प्रक्रिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हुआ है हमारे पटवारी साथी के पास, उसके विरुद्ध हम लोग 3 सूत्रीय मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल अपना जारी रखेंगे। जिला प्रशासन द्वारा अपने अधिकारियों के बचाव में हम लोगों को पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खुले आसमान में हमारे पटवारी इतनी भीषण गर्मी में छतरी लेके आंदोलन में बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने की कवायद में जुड़ गया है, जिसके कारण हमको पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके विरोध में हम लोग अपने आंदोलन को और तेज़ रखेंगे। हमारे प्रांतीय पदाधिकारी लोग कल पहुँच रहे हैं हमारे ज़िले में और लगभग सभी ज़िलों से समर्थन हमको मिल रही है एवं जब बहुत जल्द ही हमारा आंदोलन प्रदेश स्तर में जाने वाला है। हमारी 3 सूत्रीय मांग है जो बिना FIR दर्ज किए ही जो थाना प्रभारी हमारे पटवारी को गिरफ्तार किया है उसको निलंबित किया जाए एवं बिना विभागीय जांच के तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा FIR दर्ज कराया गया है पटवारी के ऊपर, तो उनको दोनों को निलंबित किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके उपरांत हमारी 3री मांग जो है बिना विभागीय जांच के किसी भी शासकीय सेवक को गिरफ्तार न किया जाए।